हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 12 है न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 12 जो फैक्टराइजेशन है उसका जो एक्सरसाइज 12.1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपको करना है। देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन गिवन है इनके फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, इनको फैक्टराइज करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करेंगे, 7x माइनस में 42 है, इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब क्या है कि इनके कॉमन फैक्टर बनाने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए 7x है, यहाँ पर 42 है, तो 7x और 42 में से कॉमन देखना है पहले क्या होगा। देखिए 7x को आप लिख सकते हैं 7 इंटू में एक्स, और 42 को आप लिख सकती है 7 6 42। ठीक है, 42 को आपको क्या लिखना है, 7 × 6 लिखना है। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 7 7, इसे बाहर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया है 6p माइनस में 12q है, इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए 6 को आपको क्या लिखना है, देखिए आपको इन दोनों में से जो सेम नंबर है इसे कॉमन निकालना है। देखिए 6 × p लिख लो, 6p को माइनस है, इस 12 को ऐसे लिखो कि आपको 6 मिलना चाहिए। ठीक है, यानी अगर यहाँ 6 है तो इसको आप लिख सकते हैं 6 × 2 6 2 या 12 होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो यहाँ पर p बचेगा और यहाँ पे 2q बचेगा, ब्रैकेट में 2q। ठीक है, चलो अब देखिए इसके थर्ड पार्ट का सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर 7a² प्लस में 14a है। ठीक है, अब देखिए 14 7 का मल्टीपल होता है, तो आपको क्या करना है, इस 7 को लिख लो 7 × इस a² को लिख लो a² में a, और इस 7 को लिख सकते हैं 7 2 या 14 × में a। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 7 दोनों में कॉमन है और a भी दोनों में कॉमन है, तो 7a दोनों से कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 7a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 7a आपने कॉमन निकाला दोनों, तो यहाँ पर एक a बचेगा एक 2 बचेगा, तो ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, चलो अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, माइनस में 16z प्लस में 20z³ है, इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए 16 4 का मल्टीपल है और 20 भी 4 का मल्टीपल है। अगर डायरेक्ट कॉमन निकालना है तो 4 आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट निकालने में दिक्कत होती है तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस सेम 4 4 जो 16 हो गया इंटू में जेड, और इस 20 को लिख लो 4 5 जो 20, और इस जेड क्यूब को लिख लो z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, देखिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 है, एक तो 4 कॉमन निकाल लो, फिर देखिए जेड यहाँ पर है जेड यहाँ पर है, एक जेड भी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस फोर। ठीक है, प्लस 4 कॉमन आ गया तो 5z². ठीक है, जेड इंटू जेड गया वो z² तो 5z². ठीक है, अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 4 × z 4z माइनस 4 प्लस में 5z². ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया है, ऐसे इसके फैक्टर फाइंड करने थे। इन दोनों में कॉमन बताओ, तो देखिए 20 10 का मल्टीपल होता है, यानी 10 से डिविजिबल हो जाता है, और 30 भी 10 से डिविजिबल हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इस 20 को आप लिख सकते हैं 10 × 2 20, और इस l² को लिख लो l × m, प्लस इस 30 को आप लिख सकते हैं 10 × 3, 10 3 जो कितना होगा 30 होगा, और a l m। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 10 है यहाँ पे 10 है, 10 को बाहर कॉमन निकाल लो, यहाँ पर देखिए l है यहाँ पे l है, l भी कॉमन आएगा, यहाँ m है यहाँ m है, m भी कॉमन आएगा, तो 10 l m कॉमन आ गया, तो 10 l m ये कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 l बचेगा प्लस, और यहाँ पे देखिए 10 l m कॉमन आ गया तो 3 a बचेगा, तो ये इसके फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसके 6 पार्ट का सोल्यूशन देखिए आप, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा, देखिए 5 5 का मल्टीपल 15 भी है, तो 5 3 जो 15, तो अगर आपको दिक्कत होती तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × x × x × y, इसको लिख सकते हैं 5 × 3 15 × y² को y × y। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या रहा है, देखिए 5 दोनों में कॉमन है, 5 को कॉमन निकाल लो,
वाई दोनों में है तो वाई भी बाहर निकाल लो। तो यहाँ से वाई और फाइव, वाई फाइव दोनों से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई फाइव कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा थ्री वाई। ठीक है, वाई फाइव कॉमन आया, ये वाई ये फाइव कॉमन आ गया तो यहाँ थ्री वाई बचेगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये आंसर आ गया आपका। अब डियर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे थ्री टर्म्स है, इनमें कॉमन देखना है। ठीक है, तो देखिए थ्री टर्म्स में आपको कॉमन कैसे निकालना है, देखिए टेन फाइव का मल्टीपल है, फिफ्टीन भी फाइव का मल्टीपल है और ट्वेंटी भी फाइव का मल्टीपल है, क्योंकि फाइव से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइव कॉमन आएगा। वेरिएबल देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर, तो वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा। तो आपने इन तीनों से फाइव कॉमन निकाला है तो आपको फाइव पर डिवाइड करना पड़ेगा। फाइव टू जो टेन ए स्क्वायर, फाइव थ्री जो फिफ्टीन बी स्क्वायर और प्लस में फाइव फोर जो ट्वेंटी फोर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, देखिए जो नंबर आप बाहर कॉमन निकालते हैं उसका डिवाइड करना होता है, जो बचता है वो आपको यहाँ लिखना। देखिए फाइव टू जो टेन टू आया, फाइव थ्री जो फिफ्टीन, फाइव फोर जो ट्वेंटी, तो यहाँ फोर आ गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब डियर स्टूडेंट इसके एट पार्ट का सोल्यूशन देखिए आप, देखिए इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए तीनों टर्म्स में कॉमन क्या है, देखिए फोर फोर फोर। ठीक है, और देखिए वेरिएबल ए ए ए, तो तीनों में ए कॉमन है, फोर कॉमन है, तो फोर ए कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से जब आप फोर ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर माइनस का ए बचेगा, यहाँ पे फोर ए कॉमन आएगा तो प्लस का बी और माइनस का सी बचेगा। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन फैक्टर होगी। अब डियर स्टूडेंट इसका नाइन पार्ट देखिए आप, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स कॉमन आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई, तो वाई भी कॉमन आएगा, यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, तो जेड कॉमन आएगा। तो यहाँ एक एक्स बचेगा, यहाँ पर एक वाई बचेगा, यहाँ पर एक जेड बचेगा, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट इसके टेन पार्ट का सोल्यूशन देखिए आप, देखिए तीनों में कॉमन देखो पहले कितना है, यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स, एक तो एक्स कॉमन है और वाई तीनों में कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ जेड है, यहाँ पे जेड नहीं है। ठीक है, तो एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पर ए एक्स वाई बचेगा और यहाँ पे बी वाई स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे सी जेड बचेगा। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व किया है पूरा, इसको सही से नोट कर ले पहले।